तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज का जो वीडियो हम बात करने वाले हैं, जो 12वीं पास हो चुके हैं और वो कुछ अच्छा फील्ड्स लेना चाहते हैं, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे में वो क्या करें, कैसे फील्ड्स लें, कौन सा करियर स्टार्ट करें, कैसे बुक्स पढ़ें, कौन से मतलब कॉलेज उनके लिए बेस्ट रहेगी, तो ऐसे में मेरे साथ है मेरे कजन अभिषेक कुमार, जो कि आपको पूरे डिटेल्स बताएंगे। जो आपको डाउट होगा वो सारी अगर इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल है क्या प्रवीण आइंस्टाइन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभिषेक जी बताए कि मतलब स्टूडेंट को कौन सा मतलब इंजीनियरिंग में ब्रांच लेना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, उनके लिए क्या लाभदायक है, और मतलब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। तो अभिषेक जी बताइए। जी तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 11th 12th के बाद जो मेन अपने अगर मैथ्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो ये इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म रहता है आपके लिए। अगर आपने आप बहुत ही अगर दिलचस्पी लगा कर पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत बड़े स्कोप लेना चाहते हैं, बहुत ही वाइडर एरिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको अगर आप करना चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग बात तो कर दी हमने, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसमें इंजीनियरिंग के अंदर ब्रांच कितने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेनली जो है इंजीनियरिंग में चार कोर ब्रांचेस होती हैं, तो मैं गिनाना चाहूँगा। पहला जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे किंग ऑफ ब्रांच कहा जाता है इंजीनियरिंग का। पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तीसरा जो आपका आ जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है, और चौथा सिविल इंजीनियरिंग। तो ये हमारे चार कोर ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने जो पढ़ाई की है मैथ्स स्ट्रीम से रहा हूँ मैं, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैंने प्रेफरेंस दिया था अपने करियर में। तो दोस्तों अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ मैं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, फोर्थ सेमेस्टर। छत्तीसगढ़ से ही मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा, कर रहा हूँ फोर्थ सेमेस्टर, अभी अभी मैंने एग्ज़ाम देकर आया है। तो दोस्तों अभी तक जितना चीज़ मैंने सीखा उस चीज़ को दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप वो गलतियाँ ना करें जो शायद मैंने की हूँ, या मैं बताना चाहूँ उस गलतियाँ आप वो गलतियाँ आप ना करें। तो दोस्तों अगर आपने सोच ही लिया है कि चलो ठीक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ले लिया जाए, तो उसके लिए दोस्तों 11th 12th में आपने फिज़िक्स पढ़ा होगा, वो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन फिज़िक्स की ओर आपके यहाँ रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पूरा जो इंजीनियरिंग का चार साल का होता है, तो जो तीन साल दोस्तों आपको जो पढ़ाई करनी है, पहला साल दोस्तों जो होता है वो कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे, सारे ब्रांच वाले पढ़ेंगे दोस्तों। फर्स्ट ईयर जो रहता है, दो सेमेस्टर जो आपको निकालने पड़ते हैं, कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों, फिज़िक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, आपका इंग्लिश रहेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट रहेगा, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत सब्जेक्ट रहेगा, कोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत, बेसिक्स जो आपने 11th 12th में सीखी है वो आपको फर्स्ट ईयर में बताया जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। वहाँ से आप थोड़ा बहुत अपना बेस बना सकते हैं। उसके बाद जब दोस्तों आप ब्रांच में एंटर करेंगे, ब्रांच में दोस्तों सेकेंड ईयर से एंट्री मिलती है, फर्स्ट ईयर तक तो सब सेम चलता है, सबके लिए बराबर रहता है। अब ब्रांच में जैसे ही आप एंट्री करेंगे दोस्तों, तब जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने ले लिया है, एंट्री करते ही दोस्तों आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, जो कि देखा दिखाया सब्जेक्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे दोस्तों, बस पढ़ाई आपको थोड़ी डिटेल में करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि मैं सब्जेक्ट्स बताना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर का ही ले लेते हैं अपन। फर्स्ट ईयर में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट रहता है दोस्तों, फिजिक्स पहला सब्जेक्ट रहेगा, अप्लाइड फिजिक्स नाम से एक सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा बहुत जानकारी फिजिक्स के बारे में कर लेंगे, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वही बेसिक जानकारी सब रहेगी। एक सब्जेक्ट आता है दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके, ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये आप बिल्कुल अच्छे से इस सब्जेक्ट को डील करिएगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट जो है वो आपको ये पूरे इंजीनियरिंग के बाकी के तीन साल में काम आएगा दोस्तों। ये जो कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रहते हैं, वो इन तीन साल में जो आप आगे की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, ये आगे आपको काम आएगा। तो दोस्तों मैं यही मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ज़्यादा ध्यान दें, अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच ले लिए हैं तो। अब अपन आते हैं दोस्तों सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आते ही दोस्तों सारा सब्जेक्ट तो आपका रहेगा मैकेनिकल का। तो थर्ड सेमेस्टर दोस्तों सब्जेक्ट के नाम मैं गिना देता हूँ आपको, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से जूझना पड़ेगा आपको, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको, और आपको ऐसे ही कुछ मैकेनिकल के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मेट्रोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी दोस्तों, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, ये सारे जो सब्जेक्ट है दोस्तों
आपको सुना सुनाया लगेगा दोस्तों, आप कहीं ना कहीं ये चीज का इन चीजों के बारे में आपने सुना होगा, भले ही डिटेल में ना पढ़ा हो लेकिन आपने देखा होगा। इन्हीं में एक सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन नाम से जाना जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल, पूरे मैकेनिकल में ये आपका पीछा नहीं छोड़ती दोस्तों। बहुत सारे लोगों का इसमें बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन बैकलॉग जो रहता है दोस्तों इन्हीं सब्जेक्ट्स में लगता है दोस्तों। थ्योरी ऑफ मशीन ये दोस्तों खैर दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड है, इसे हम बड़े बड़े कॉलेजेस में अगर आप जाओगे तो थ्योरी ऑफ मशीन नाम से बुक आती है दोस्तों, लेकिन अगर आप इसे डिवाइड कर दिया जाए ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज तो आप इसे फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे काइनामेटिक्स ऑफ मशीन, जो इस थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर ही आता है काइनामेटिक्स ऑफ मशीन दोस्तों। अगले सेमेस्टर में डायनामिक्स ऑफ मशीन पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो दो सब्जेक्ट है इन्हीं दोनों के मिक्सचर को आप बोलेंगे दोस्तों थ्योरी ऑफ मशीन। ये एक मैकेनिकल का बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों, तो इन सब्जेक्ट के ऊपर आप बहुत ही अच्छे से डील करिए दोस्तों, पढ़ाई करिए, जानने की इच्छा रखिए इन सब्जेक्ट्स के बारे में। इन सब्जेक्ट्स का जो एक एक कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों वो आपके दिमाग में होना जरूरी है दोस्तों। गेट के एग्जाम में दोस्तों इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वेटेज ज़्यादा रहता है इन सब्जेक्ट्स का। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, ये दो सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन मतलब काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन, ये दोनों के बारे में आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए दोस्तों। ये रहे थर्ड सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट, थर्ड सेमेस्टर जो सेकेंड ईयर के अंदर ही आएगा। अब अपन फोर्थ सेमेस्टर की ओर बढ़ते हैं, तो जो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर आप जैसे ही आएंगे तो सब्जेक्ट वही रहेंगे, बस थोड़ा उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स वन पढ़ते थे दोस्तों, अपन पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स टू। वहाँ अपन थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, तो अपन यहाँ पे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे दोस्तों। जो भी चीज़ें हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, रूल्स पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं दोस्तों, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ, जो भी दोस्तों आपने पढ़ा है सारी चीज़ों को बस आपको इस अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करना है। कैसे चीज़ें बनती है, कैसे हम इन चीज़ों को रियल लाइफ में अपने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आप अपने हंसते खेलते हुए लाइफ में आप देख सकते हैं। गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है दोस्तों, ये सारे इसी के एप्लीकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। वैसे तो दोस्तों कोई भी ब्रांच छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे ब्रांच की अपने जगह एक अपनी मान्यता है। तो दोस्तों मैं अपने टॉपिक से जुड़ जा रहा हूँ, तो फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में अपन बात करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर दोस्तों मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स टू पर सॉलिड टू पढ़ेंगे, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आप प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप मशीन डिज़ाइन वन पढ़ेंगे। तो ये हो गए हैं सारे सब्जेक्ट। मशीन डिज़ाइन वन के बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों, कई लोगों का इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर्स में रहता है, ज़्यादा ध्यान सॉफ्टवेयर में रहता है कि अरे हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट कंप्यूटर में ज़्यादा है। कई लोगों कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, चलो ठीक है, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, बैठे बैठे काम मिलेगा, ठीक है, ये भी बहुत ही बड़ा एक स्कोप है। अगर आपका दिल लग जाता है इसमें डिज़ाइन में तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ये। वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स तो बहुत सारे दोस्तों, मैकेनिकल के लिए आपको तीन चार सॉफ्टवेयर मिलनी है, क्रियो हो गया, एनसिस हो गया, और आपका ये हो गया ऑटो कैड हो गया। ऑटो कैड सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, सबसे पहले जो ऑटो डेस्क ने इन्वेंट किया था ये ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को, इससे आप किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग आप बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो, गाड़ी हो, कार हो, मोबाइल फ़ोन हो, टेबल हो, फैन हो, टीवी हो, कुछ भी हो, आप उस चीज़ की डिज़ाइन, मशीन की डिज़ाइनिंग, इंजन की डिज़ाइनिंग, आप किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग बड़े ही आसानी से इस ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। और मैटलैब जैसे बहुत सारे भी सॉफ्टवेयर हैं, चार पांच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, आप इन सब चीज़ों को खुद से भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो आपको ट्रेनिंग का जो समय रहता है दोस्तों, ट्रेनिंग में एक महीने की छुट्टी शायद एक आध दो महीने की, कई कॉलेजेस प्राइवेट में एक महीने की छुट्टी मिल जाती है, तो ज़रूर आप इनमें छोटे मोटे कोर्स आप कर लें, आगे चल के बहुत ही काम आने वाले कोर्स हैं। ज़माना डिज़ाइनिंग का है दोस्तों, नए नए डिज़ाइनिंग बनते जा रहे हैं, तो ये एक अलग प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ये खैर मशीन डिज़ाइन से सब्जेक्ट थे। तो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर तो मेरा अभी ख़त्म हुआ है, तो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर तक की मैंने आपको सब्जेक्ट बता दी। लेकिन दोस्तों अब खैर फिफ्थ सेमेस्टर में मैं जाने वाला हूँ, तो कुछ सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई है मुझे पहले से ही, मैंने दिलचस्पी है खैर मुझे मैकेनिकल के तरफ, तो मैंने सब्जेक्ट की जानकारी तो पहले से ही रखी हुई है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लूइड मशीनरी दोस्तों। फ्लूइड मैकेनिक्स वन आपने पढ़ा था फोर्थ सेमेस्टर में, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में फ्लूइड मशीनरी पढ़ना होगा दोस्तों, टर्बो मशीनरी पढ़ना होगा दोस्तों। नाम सुन के घबराइएगा मत, इन सब्जेक्ट का कुछ नहीं रखा हुआ है। टर्बो मशीनरी दोस्तों बड़े बड़े जो मशीन रहते हैं, पंप हो गए आपके, ये सब जो यूज़ होते हैं, बड़े बड़े डायनामोमीटर, ये सब जो यूज़ होते हैं दोस्तों, ये सब जो मशीन होते हैं सब मैकेनिकल के इक्विपमेंट्स हैं। आप इनकी जानकारी आपको आगे सेमेस्टर में जाके मिलेगी, और आप पढ़ेंगे ये सारे सब्जेक्ट हो गए। मशीन डिज़ाइन वन आपने पढ़ा हुआ था, मशीन डिज़ाइन टू पढ़ेंगे आप,
तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे दोस्तों, ये तो बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिनको प्रोडक्शन में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना है जिनको, तो ये सारे सब्जेक्ट, मेटलर्जी हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, ये सब में जिनको इंटरेस्ट है तो आप इन सब फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फिफ्थ सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट हैं, बाकी तो दोस्तों अभी मुझे भी देखना ही होगा, 8 सेमेस्टर होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स आपके। पावर प्लांट इंजीनियरिंग से जूझना होगा आपको दोस्तों, जैसे जिनको देखो मैकेनिकल लिया है तो आधा से ज़्यादा सब्जेक्ट आपके थर्मोडायनेमिक्स के ही रहेंगे, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया, पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखना ही पड़ेगा। तो आपने बहुत बढ़िया नॉलेज दिया। तो विशेष मेरा पहला सवाल है कि मतलब जो स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो मतलब कितने घंटा मतलब उनको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो अपने अच्छे एग्जाम में वो पास हो सके? देखिए पास होना एक अलग चीज़ है और अच्छे मार्क्स लाना अलग चीज़ है। तो दोस्तों पास तो हम एक रात में पढ़ के भी हो सकते हैं, वो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ाई कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसके क्षमता कैसा है उसकी पढ़ने की, तो ये एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आपको अच्छा नॉलेज गेन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना है आगे के, तो आप डेली पढ़ाई करिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है डेली क्लास में, क्लास तो रोज़ अटेंड कीजिए, रेगुलर अटेंड कीजिए, डेली जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको आप डेली दो घंटा अगर आप पढ़ाई करते हैं बहुत ही सफिशियंट है दोस्तों 2 घंटा, वरना अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम ही निकालना है तो आप रात के 1 घंटे में पढ़ के भी निकाला जा सकता है। तो बढ़िया, अगर शायद कोई स्टूडेंट के साथ एक मन में ख्याल आ रहा कि मतलब आप कितने घंटे मतलब पढ़ते होंगे इस कॉलेज? देखो दोस्तों मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो नया नया बाहर निकलने का सबको रहता है दोस्तों, पढ़ाई घर से, घर में तो बहुत पढ़ाई 11th 12th में हमने, बाहर निकलने का मौका मिलता है, पढ़ाई से थोड़ी दूरी बनती है दोस्तों, थोड़ी दूरी बन जाती है पढ़ाई से कि चलो ना निकलेगा, 11th 12th हमने 12 यूनिट पढ़ के निकाला है, पास किया है, तो ये इंजीनियरिंग के 5 यूनिट जो रहते हैं वो क्यों ना निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये एक 5 यूनिट है ठीक है, लेकिन वो 5 यूनिट उस 12 यूनिट के बराबर है, ये लोगों को पता नहीं रहता है। तो दोस्तों मैंने पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर मेरा थोड़ा सा कम हो गया, मतलब पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन दोस्तों जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं सोचा कि मैं 11th 12th में जब इतना पढ़ाई करता था रिजल्ट आता था, तो मैं इस 5 यूनिट जब यहाँ पे है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों वही बात है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी 2-3 घंटा, उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर से देने लगा 2-3 घंटा फिर मैं डेली देने लगा पढ़ाई के दोस्तों, तभी जाके कुछ काम बनेगा, नहीं तो फिर वही है 50-60% आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रिजल्ट मिलने वाला, नॉलेज भी गेन नहीं कर पाएंगे दोस्तों जब तक आप डेली पढ़ाई नहीं करें। तो विषय जो मैं बताया कि जैसे कि कल एग्ज़ाम हो रहा है और लोग जो क्या है कि उससे पहले कि पहले जो डिप्रेशन आ जाते कि यार हम पास होंगे कि फेल होंगे कि पता नहीं, तो ऐसे में आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो उनका डिप्रेशन से दूर हो जाए और वो अच्छी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें? जी ये भी एक सही सवाल आपने पूछा कि जैसे लोग का मकसद रहता है कि हम एक रात में पढ़ के निकाल लेंगे, लेकिन वही लोग को इतना डिप्रेशन हो जाता है कि भाई अब हमने 6 महीना तो कुछ पढ़ा नहीं है, एक रात में पढ़ाई करनी है, 5 यूनिट है, सबसे पहले वो खोजेंगे कि सबसे इजी यूनिट कौन से हैं, यार 3 यूनिट में कर लूँगा, 3 यूनिट बहुत इजी पास हो जाऊँगा, 28 नंबर 80 नंबर का पेपर होता है, 28 नंबर पास, 3 मार्क्स पास हो जाएंगे। तो वो कोई 3 यूनिट पकड़ते हैं, 3 यूनिट को पढ़ते हैं और वही 3 यूनिट में 28 नंबर आना है, अगर अच्छे से पढ़ पाए तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, तो वही जो डिप्रेशन का लेवल तो बहुत बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें अपन को बहुत सोचना पड़ता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अब जो लड़का 6 महीना अच्छे से क्लास गया है पढ़ाई किया है उसको तो कोई टेंशन नहीं, उसको सब पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने हैं कहाँ से नहीं आने हैं, तो वो बंदा रिलैक्स होकर बिना डिप्रेशन के पढ़ सकता है। डिप्रेशन उसी को होगा जो कभी क्लास नहीं गया है, ना कभी डेली पढ़ाई की है, ना उसको यूनिट्स के बारे में यहाँ तक नहीं पता होता है कई लोगों को, तो वो क्या मतलब आगे डिप्रेशन में रहेंगे ही वो। तो जैसे कि ये मतलब पता चलता है कि मतलब जो कॉलेज के द्वारा जो बुक मिलती है पढ़ने के लिए, तो इसके अलावा भी कोई हम लोग रिफ्रेशर पढ़ना चाहिए कि नहीं? मतलब ये स्टूडेंट तो काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्या इसे पढ़ के भी हम पास हो सकते हैं, क्या ये बुक अच्छा रहता है रिफ्रेशर बाकी स्कूल कॉलेज के जैसे? हाँ बिल्कुल, देखिए जो भी सब्जेक्ट तो हमारे जैसे 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके बुक्स तो एक रहते ही हैं, उनके बुक रहते हैं, लेकिन उन बुक्स के जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में राइटर्स लोग अलग से एक रेफरेंस बुक निकालते हैं, उस रेफरेंस बुक में आपको पूरी इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स दी होती है। बहुत सारे राइटर हैं, हर बुक का एक ये खासियत होता है कि उसमें कुछ टॉपिक के बारे में ही स्पेशलाइजेशन दिया रहता है कुछ बुक के बारे में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉरेन राइटर्स के बुक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन राइटर्स के बुक प्रीफर करें, बहुत ही सही नॉलेज दिया रहता है, बहुत ही टू द पॉइंट उसमें आंसर दिए रहते हैं, कहीं इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं रहता है। तो रेफरेंस बुक बिल्कुल आप यूज़ करें, टाइम है आपके पास, आप डेली पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल है रेफरेंस बुक, बिल्कुल यूज़ करिए।
तो विशेष जी बताया कि जब भी आप मतलब जो एग्ज़ाम मतलब जो पढ़ते हैं उस एग्ज़ाम से पहले जो पढ़ते हैं तो आप कितने घंटे का मतलब ब्रेक लेना चाहिए ताकि जो माइंड जो रिलैक्स हो जाए फिर उस पढ़ाई में फिर पढ़े तो हमें अच्छा महसूस होता है। ब्रेक तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। इंजीनियरिंग है, पढ़ाई बहुत बड़ी है दोस्तों, छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। आजकल के लोग ही बस इधर बदनाम करके रखे हैं, काबिल भले ना हो वो लोग लेकिन नाम बदनाम करना ज़रूरी है दोस्तों। इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके देखें, उनके बाद उन्हें समझ में आएगा। तो दोस्तों बात ब्रेक की होती है, 24 घंटा भी पढ़ें तो कम नहीं है दोस्तों इंजीनियरिंग, क्योंकि क्वेश्चन आपके मन में उठेंगे ही उठेंगे, उसे क्लियर करने के लिए समय नहीं रहता है। हालांकि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, बहुत कम रहता है दोस्तों, लेकिन उसे अपन को निपटाना रहता है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों यूनिट के पीछे मत भागिए, नॉलेज जो है कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नॉलेज रहेगा, आपसे कोई नहीं छीन सकता, आगे के एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव में यूज़ होंगे। तो आप पढ़ाई करिए, 2 घंटा पढ़ रहे हैं दोस्तों आप, तो ब्रेक आधे घंटे का गाना सुन लिए, अब बाहर में रह रहे हैं बिल्कुल, कहीं घूम के आ जाइए कहीं जाके। ब्रेक दोस्तों बहुत ज़रूरी है, माइंड फ्रेश जब तक नहीं होगा मन नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, तो ब्रेक एक बहुत ही ज़रूरी चीज़। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे आप कोई भी अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई मन में सवाल हो तो प्लीज़ जो हमारे जो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये जल्द से जल्द वीडियो मतलब तुरंत बना लिया जाए, आपको जो भी इसमें डाउट होगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, मेन मकसद आपका तो यही है दोस्तों, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो नौकरी चाहिए आप। तो दोस्तों नौकरी का तो जरिया आपको पता ही है, पहला गेट एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करेगा दोस्तों अच्छे मार्क्स से, 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में दोस्तों आप बिल्कुल प्रयास करिए, जब तक 60 से ऊपर नहीं ला रहे हैं तो अच्छे नौकरी गवर्नमेंट जॉब पाने का कोई दोस्तों मतलब नहीं है। तो पढ़ाई कैसे करें दोस्तों मैं ये भी बता दूँ, गेट निकालना है दोस्तों पहले से ठान लिया है तो आप फर्स्ट ईयर से ही लग जाइए। फर्स्ट ईयर से ही आपको जो जो सब्जेक्ट्स, आप गेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, आजकल नेट में उपलब्ध है दोस्तों, सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फॉर्मूले लिखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, टॉपिक्स टिक लगाते जाइए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए दोस्तों। मैं ये यहाँ तक करते आ रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास आज भी, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ लेकिन 1st सेमेस्टर की कॉपी मेरे पास आज भी है दोस्तों। उसकी इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दोस्तों जो जो यूज़ होते हैं वो आप रखे रहिए, मेन टॉपिक्स पढ़िए। मैकेनिकल के जो जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स हो गया, फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स से दोस्तों बड़े बड़े ज़्यादा वेटेज में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 15% वेटेज फ्लूइड मैकेनिक्स का रहता है दोस्तों। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से दोस्तों, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। नए बुक प्रीफर कर सकते हैं आप गेट के लिए दोस्तों, मैं जो प्रीफर कर रहा हूँ हमारे सर ने दिया था, खैर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से पढ़ा हुआ हूँ मैं तो हमारे सर हैं वही पढ़ाते हैं, तो ये बुक मैंने प्रीफर किया है। इसमें दोस्तों पूरे 1st से लेके 4th ईयर तक का पूरे यूनिट का मैकेनिकल का फॉर्मूला वगैरह, डेफिनेशन वगैरह हर चीज़ दोस्तों अच्छे से दिया हुआ है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हैंड बुक है दोस्तों, आप चाहें तो आप भी इसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रवीण के यहाँ दे दिया रहेगा। हालांकि मैं दोस्तों मैं इसी से पढ़ता हूँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बुक है गेट के लिए, ESC के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है दोस्तों। हालांकि ये हुआ बात, गेट तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए आपको, और मेहनत करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करी है तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इंजीनियरिंग बहुत टफ होता है दोस्तों, जैसे कि जैसे कोई उतना आसान नहीं, उतना मुश्किल भी होता है ना, मुश्किल नहीं है पढ़ने वालों को, कोई पढ़ने वाले को ऊपर दोस्तों कितना मतलब ध्यान देते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ताकि हर कोई फील्ड में चाहता है दोस्तों जाना चाहता है, तो उसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और भी कुछ फील्ड रहते हैं, बहुत सारे ब्रांच हैं इंजीनियरिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जिसका इंटरेस्ट जिसमें हो वो उस लाइन में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनकी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों मैंने जो भी बताया, कुछ भी कोई भी डाउट हो दोस्तों किसी भी मैकेनिकल सब्जेक्ट के बारे में या फिर इंजीनियरिंग के बारे में, कॉलेज वगैरह के बारे में दोस्तों, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर। हालांकि दोस्तों इस चैनल में मेरा ये पहला वीडियो था, इस चैनल में क्या दोस्तों मेरा ये पूरे लाइफ का पहला ही वीडियो है, तो मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताए दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो वो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहूँगा दोस्तों कि अगले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों सब्जेक्ट्स के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने ही आने रहते हैं दोस्तों एग्जाम्स में, तो मैं वो कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको अगले वीडियो में दे पाऊँ, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। अब सब्जेक्ट्स बोल दिया है तो थोड़ा टॉपिक में घुसना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कैम प्रोफाइल आपने पढ़ा है, गियर पढ़ा है दोस्तों, तो कैम प्रोफाइल्स वगैरह बनाना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चन है, 14 मार्क्स में आता है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो मिनिमम दोस्तों आधा घंटा तक समय ये ले लेता है एक क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर का रहता है, आधा घंटा ये टाइम ले लेता है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा अगला वीडियो रहेगा वो इस काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन कैम प्रोफाइल बनाने के ऊपर रहेगा। जी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जाए
जरूर कीजिएगा। आपके मन में शंका हो कि हाँ ये वीडियो भी मदद मैंने बताना चाहिए थी, अगर कभी छूट गए तो हम माफ़ी चाहते हैं कि हम नहीं बता पाए, तो इसीलिए बोलकर नीचे कमेंट बॉक्स लिखें, हम जरूर कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको जल्द से जल्द इसको बना दें। तो बस और कुछ करना है बस हो गया। जी 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 ठीक है दोस्तों, अगर कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रवीण आइंस्टाइन को जिसको जल्द से सर्च कर लीजिएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंस की वीडियो अगर बस रोजाना ऐसी लाते रहूँगा। तो मिलते अगले वीडियो पर, जय हिंद जय आइंस्टाइन।